नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। और आप सभी को सावन माह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावन में जो पूरे महीने का व्रत रखते हैं, वो जो केवल सोमवार के सोमवार व्रत रखेंगे वो, तो सबसे पहले पूजा किसकी करनी चाहिए? घर के भगवान जी की, मतलब अपने घर में जो मंदिर में भगवान जी लोग हैं उनकी पूजा करें, या मंदिर में पूजा करके आएं, किसकी पूजा पहले करें? और उसके बाद व्रत के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं, इसी प्रकार के सावन से जुड़ी कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सावन का महीना इस साल 2022 में 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। और पहला सावन सोमवार व्रत हमारा पड़ा है 18 जुलाई को। चार सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। तो पहला आपको सोमवार के दिन व्रत कैसे करनी है वो मैं बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद, तो अपने मंदिर की साफ सफाई पहले से ही करके रखिएगा। और आप सूर्य देव को जल दे सकती हैं। और देने के बाद ऐसा नियम नहीं है, बता दूं आपको, कि किसकी पूजा पहले करें, कहाँ पूजा पहले करें, घर में करें या मंदिर में। तो देखिए, ऐसा नियम नहीं है कि हम घर में कर दिए तो हमारे ऊपर कोई दोष लगेगा, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, या हम पहले मंदिर में जाकर करके आ जाएं तो हम, मतलब हमसे कोई गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नियम है कि सुबह सुबह ही हमें जाकर शिवालय में, शिव मंदिर में, उसमें ध्यान क्या रखनी है कि आपको जल्द से जल्द अभिषेक करके आ जानी है। क्यों आ जानी है कि पूजा से पहले हमें जल तक ग्रहण नहीं करनी है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं उनको प्यास लगती है, सुबह रात भर वो बिना पानी का रहते हैं तो सुबह ही प्यास लगती है। तो इसलिए सुबह कोशिश कीजिए जाकर आप अपना अभिषेक करके आ जाइए। तो अभिषेक जब करने जाइएगा तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि अपने मंदिर को आप गंदा ही और बासी ही छोड़कर चले जाएं। जितना ज़रूरी है घर की साफ सफाई, उतना ज़रूरी है कि मंदिर की साफ सफाई करके आप चाहे तो शिव मंदिर की भी पूजा सबसे पहले कर सकते हैं। लेकिन मंदिर के जितने बर्तन वगैरह है सब धोकर तब आप अपने शिव जी के मंदिर बाहर जाइएगा, ठीक है। अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद जाइएगा शिव जी की पूजा करने। ऐसा ना कि हम शिव जी की पूजा करने चले गए और मंदिर ऐसे बासी पड़ा है, तो सही नहीं है। और अगर आपके पास समय है, समय से आप उठ गई हैं, सारे कार्य आपके हो गए हैं, तो आप अपने घर के मंदिर की भी पूजा करके और तब आप शिवालय जा सकती हैं, शिव मंदिर बाहर जा सकती हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। और पूजा से पहले मुंह में जल तक नहीं डालनी है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि क्या दीदी सावन में मंगलसूत्र तो काला होता है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि सावन में पूजा के दौरान या पूरे सावन काली चीज़ों का परहेज करें, बिल्कुल काले चीज़ें ना शरीर में डालें। तो आप लोग कह रहे हैं कि मंगलसूत्र तो काला है, तो उसका क्या, मंगलसूत्र के लिए कोई नियम नहीं है। मंगलसूत्र तो उसका नाम ही है मंगलसूत्र, तो काला भी है तो उसका रूप रेखा ही वैसा ही है, तो उसको आप पहन सकते हैं। लेकिन काला वस्त्र, काले और धागे वगैरह का ध्यान रखनी है, काली चूड़ी वगैरह का ध्यान रखनी है। मंगलसूत्र के लिए कहीं कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़ क्या है, जो कि मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि सावन में जितने सोमवार व्रत रखिएगा या पूरे महीने का, तो आप लोग दातुन से ब्रश कीजिएगा अगर मिले तब। दातुन नहीं मिलता है तो नया ब्रश यूज के लिए निकाल लीजिएगा, क्योंकि सोमवार का हम व्रत रखते हैं और फिर वही नॉर्मल जो प्रतिदिन हम ब्रश करते हैं लहसुन प्याज वाले, और वही करें तो हमें व्रत का लाभ नहीं मिलता है। छोटी छोटी ये बातें हैं, लेकिन ये गलतियां हमारे द्वारा हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक अलग से नया ब्रश भी आप रख सकते हैं, क्योंकि चार सावन सोमवार व्रत रखनी है तो आप उस दिन वही कीजिएगा। और पारण के दिन भी ऐसा ना कि जूठा ब्रश मुँह में डाल लीजिएगा, पारण के दिन भी वही नया वाला ब्रश आपको मुँह में डालनी है।
इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है कि शिव जी की पूजा जब करने जाइएगा तो जितना पहले सोमवार व्रत के दिन ही बता दूं, आप लोग पूछ रहे हैं दीदी प्रेगनेंसी में क्या मेहंदी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। वो मेहंदी जो है सुहाग के लिए लगाया जाता है, प्रेगनेंसी से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शिव जी की पूजा आप कर सकती हैं, शिवलिंग की पूजा मत कीजिएगा। अभिषेक जाकर मंदिर में प्रेगनेंसी में जाकर मत कीजिएगा। घर में फोटो प्रतिमा है, व्रत रखी है तो कर लीजिए, ठीक है। फल फलहार से ये व्रत किया जाता है, प्रेगनेंसी में भी आप चाहे तो कर सकती हैं, लेकिन बाहर वगैरह ना जाएं। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि पूरे श्रृंगार आपको करनी है, तो करने के दौरान ध्यान क्या रखिएगा कि जब भी सिंदूर लगाइएगा ना तो सिंदूर को ऊपर के तरफ लगाते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिंदूर जब भी अपने मांग में भरिएगा, सावन में ही नहीं बता रही हूँ, ऐसे नॉर्मल भी, तो थोड़ा सा लगाइए या ज़्यादा लगाइए, क्योंकि आजकल ना बाल बहुत गिरते हैं लोगों के, तो जितना बड़ा मांग भरो ना वहाँ के बाल तो एकदम ख़त्म ही हो जाते हैं। वो सिंदूर में क्या क्या मिलावट रहता है, धीरे धीरे बाल सारे झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, हेयर फॉल ज़्यादा होता है, तो इसलिए जितना ही लगाइए, लेकिन उस उंगली को ना, अनामिका उंगली हो या इंडेक्स फिंगर हो या ऐसे जब आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, पूरे मांग का नियम कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी लगाते हैं तो कभी यहाँ करके यहाँ छोड़ मत दीजिए, इसको आगे की तरफ ऐसे कर लीजिए, जो उंगली में लगा है पोछ लेते हैं सिर में। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया, तो श्रृंगार कर लीजिएगा। और पहले सोमवार को ही आपको व्रत के दिन ही मेहंदी, कोशिश कीजिए कि पहले सोमवार में ही आप मेहंदी लगा लीजिएगा, और पैरों में महावर लगाकर ही मंदिर जाइएगा। बाकी श्रृंगार थोड़ा बहुत अगर जो भारी वाले मेकअप है, जो बहुत ज़्यादा हम चेहरे पे लगाते हैं, वो सब अगर नहीं भी लगाएंगे, अगर पैरों में महावर और माथे पे सिंदूर और बिंदी लगाकर हम चले जाते हैं तो हमारा पूरा मेकअप हो जाता है। और मेहंदी तो पहले से ही आप लोग लगा कर रख सकती हैं या उस दिन भी लगा लीजिए, लेकिन पूरे सावन में कभी ना कभी आपको मेहंदी लगानी है, ठीक है। हरी साड़ी है तो ज़रूर पहनिए, अगर नहीं है तो चुनरी प्रिंट साड़ी, अगर जिस रंग की भी आपके पास है, क्योंकि सावन में चुनरी प्रिंट ही साड़ी पहनी जाती है, अगर आपके पास है तो ज़रूर पहनिए। कोशिश कीजिए कि हर पूजा के दिन मंदिर जब जा रही हैं तो चुनरी ही पहन कर जाएं। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि व्रत में आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम अनाज खा सकते हैं, तो देखिए अनाज जो एक महीने का रख रहे हैं ना तो उनको अनाज खानी चाहिए, लेकिन जो केवल चार सोमवार का व्रत रखेंगे अपने पति के लिए या अपने घर के सुख समृद्धि के लिए, अब हम लोग इतना कुंवारी लड़कियों को तो मैं पक्का कहूँगी कि सावन का सोमवार व्रत करने से जल्द हमें वर की प्राप्ति होती है, और वो भी अच्छे वर की, तो शिव जी की पूजा ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करनी है कि उसमें आप जब व्रत रखते हैं तो केवल कोशिश कीजिए कि फल पे ही कीजिए, भोजन ना करें, सेंधा नमक का हो या मीठा भोजन हो, चार दिन के व्रत में कोई ज़रूरी नहीं है, पानी तो पीनी है। जिस व्रत में हम पानी पी सकते हैं वो व्रत बहुत भारी नहीं है, लेकिन जो निर्जला व्रत है ना, जैसे तीज, जीतिया, करवा चौथ भी तो आधा ही है, छठ पूजा, तो इन सभी व्रतों में थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब पानी नहीं पीना रहता है तो हम पहले से ही धड़क जाते हैं कि कैसे करेंगे आगे, टेंशन होने लगता है अंदर में। लेकिन जिस व्रत में पानी पीनी है, चाय पीनी है, मतलब फलहार करनी है, तो उसमें तो टेंशन ही नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा, और जब मंदिर जाइएगा तो जो जलाधारी बहता है ना, उस जलाधारी को लांघे ना, जो शिव जी के ऊपर अभिषेक होता है और जल बह के जाता है, तो जलाधारी को कभी लांघा नहीं जाता, गलती से भी ये गलती मत कर दीजिएगा। और उसके बाद जब आप मंदिर से आ जाती हैं तो भी आप अपने घर के भगवान लोगों की, जो मंदिर में आपके भगवान जी हैं उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ही आपको अपने मुख में कोई भी फल फलहार चाय पानी करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा, और आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।